हमारे साथ साध्वी अवाक्षी मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अवाक्षी आप सुन रही हैं, यहाँ पर सवाल इस बात पर उठ रहा है कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है लखनऊ के आश्रम में, उस पर सवाल उठ रहा है, उस घटनाक्रम पर भी सवाल उठा रहे हैं वो लोग भी जो समर्थन करते हैं समाधि का, जो ये मानते हैं कि समाधि में जा सकता है शरीर, वो भी कह रहे हैं कि बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। पर सवाल उठने भी चाहिए, क्यों नहीं उठने चाहिए? दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस, क्योंकि विज्ञान जो है वो जब आगे बढ़ता है वो प्रश्न पूछता है, पर विज्ञान खुद कहता है कि हमें खुद पता नहीं लगता कि हमने कौन सा सही प्रश्न पूछना है। हम आपको एक बात बताते हैं, न्यूटन ही अंडरस्टूड द सपोर्टिंग थिंग ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी को उसने डिस्कवर किया क्योंकि एक सेव एक दरख्त से गिर गया, पर उस जब वो ये प्रश्न पूछता कि कौन सी फोर्स है कि वो एप्पल को वो सेव को दरख्त के साथ जोड़ के रखता, शायद पूरी तरह विज्ञान पूरी तरह अध्यात्म को आज तक समझ पाता। पर क्योंकि अध्यात्मिक का जो है वो इट डज इज ए फर्स्ट घटाता है, शाश्वत है हमारा सनातन धर्म, मीनिंग एवर लास्टिंग, जहां कोई भी चीज एवर लास्टिंग होती है तो इट मींस इट्स ऑलवेज इन प्रोग्रेस। साध्वी अवाक्षी जी, सनातन हमें अपनी ये बात रखनी है, सनातन धर्म की चर्चा तो हो ही नहीं रही है, चर्चा सिर्फ एक घटनाक्रम की हो रही है कि श्वेतांबरी जी जब गई हैं अभी समाधि में, वो समाधि में हैं या वो मृत हैं, इसको लेकर सवाल है कि क्या वो जीवित हैं, समाधि में हैं, क्या वो समाधि से वापस आ सकती हैं, क्योंकि वो समाधि में गई हैं, उन्होंने बताया समाधि से वापस कब आएंगी, आप सबका कहना है कि शीघ्र वापस आएंगी, क्या कोई समय सीमा है उनके समाधि से वापस आने की? शीघ्र आएंगे, शी इज इन समाधि, वो समाधि में है और वो वापस आए। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? उनका ये पूछना है कि लेप क्यों लगाया है शरीर पर? मेरे भी कुछ सवाल है। किस क्या किस पर लॉक शरीर पर उनके लेप क्यों लगाया है? शरीर पर लेप की बात नहीं, मतलब करो पहले चेक कराओगे एक्चुअल ईसीजी है। ये तो है हमारी संस्कृति है, एनीथिंग एनी बॉडी दैट इज प्रिजर्व्ड इन समाधि उसको लेप लगाया जाता है। एक भद्राचार्य का है 500 years, उसको लेप लगता है twice a year। ये तो है हमारी संस्कृति में, लेप तो लगता है for regeneration, it's not just preservation, it's regeneration। ये सर, there was culture of mummification, is it like that? हो रही है क्योंकि is it something related to mummy? पहले diagnose तो करो, mummification में पता exactly. No, mummification की बात हम आप पूछ रहे हो तो सुन भी लीजिए कि mummification happens when you remove organs from the body and you preserve them individually. That's something completely different. You're trying to mix two concepts together that don't exist. लेकिन साध्वी अवाक्षी, ये एक सवाल है कि क्या वो जीवित हैं? क्या वो जीवित हैं? उनको किसी तरह की कोई कोई समस्या उनको उस समय हो रही थी जब उन्होंने अनजल त्यागा था? क्या तब उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया था? क्योंकि जो उनका वीडियो है उसमें उनकी सांस भी फूली हुई दिखाई दे रही है, उनके जो होंठ हैं वो भी नीले दिखाई दे रहे थे, तो क्या उनको किसी तरह की कोई मेडिकल समस्या थी? क्या डॉक्टर्स ने तब उनकी जांच की थी समाधि में जाने से पहले? What they did is when you pull up your pran energy, जब ये होता है, जब आप समाधि में जाते हैं, जब आप एकोदम अपने प्राण शक्ति को energy force को आप एक transformer से आप energy पूरी तरह से बंद कर देते हैं, वो fuse हो जाता है, but it's still working. So here what you do is you move up your energy. और इन्होंने समाधि वाली बुक जो DJJS ने खुद भी पब्लिश की है और लोगों ने पब्लिश की है और है हमारी संस्कृति में भी है, व्हेन यू पुल अप द एनर्जी, पहले की बॉटम की क्रियाएं बंद होती हैं, तो आप फिर हौले हौले जाके उस प्राण को सूक्ष्म तक लेकर फिर पूरी तरह से उसको स्थिर कर दिया जाता है। इट्स साइंस, इट्स परफेक्टली क्लियर। मेरे को मेरा एक सीधा सवाल है, वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी समाधि में जाने से पहले? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बनाते हैं, why not make a video, है ना? क्यों नहीं, हम एक मॉडर्न जमाने में रहते हैं। आप तो बारे जी जब समाधि में गए तब कोई एविडेंस कुछ नहीं थे तो प्रश्न पूछे, यहाँ एक क्लियर एविडेंस है, यू गॉट इट क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू, Why is that a problem? आपको तो खुश होना चाहिए कि समय के आपको और इंफॉर्मेशन है और आप और जांच कर सकते हैं। तो सबूत के तौर पर वीडियो बनाया गया है कि क्यों ना बनाए वीडियो, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि आशुतोष महाराज जी का कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने बताया नहीं था कि मैं समाधि में जा रहा हूँ। विक्रमादित्य, क्या आपका सवाल क्या है? देखिए सुमेरा जी, मेरा प्रश्न ये है कि सामने उनका हाथ दिख रहा है, मैं ज्योतिषी भी हूँ, ज्योतिष में भी बहुत सारे चैनल प्रोग्राम करता हूँ, मुझे उनकी आयु पूर्ण दिखाई देती है,
उनकी लाइफ लाइन अगर देखेंगे तो पूरी तरह से दिखाई दे रही है आश्वस्त होकर। सबसे पहले मुझे इस बात पर प्रश्न दिखाई देता है कि अगर ये ड्रामा नहीं है तो जिस डॉक्टर पे, सबसे पहले मुझे उस प्रश्न डॉक्टर पे है जो वहाँ पर ये टेक्नीशियन है वो डॉक्टर है, क्या वो ECG एक्चुअल है भी के नहीं है? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, एक टीम ऑफ डॉक्टर, स्टेट स्पॉन्सर्ड डॉक्टर टीम जानी चाहिए, वो चेक करनी चाहिए, क्योंकि कल दो दिन बाद ये खेल होगा कि आप समाधि में गए और वापस आ गए, समाधि का एक तरह से मजाक उड़ाया जाएगा। तो मुझे जो सामने जो दिखाई दे रहा है कि जो डॉक्टर सामने वाले हैं, जो डॉक्टर है वो टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, क्वालिफाइड है कि नहीं है, और जो मैं स्टेट में कहूंगा कि वहां के DGP को या वहां के SSP को जाकर इसको प्रॉपरली डायग्नोज करना चाहिए, क्योंकि टीवी पे आप दिखा रहे हैं कर पाए। तो मेरे हिसाब से यहां तो आप जिस प्रकार के आप मेरे को लगता है कि क्योंकि मेरे को, मैं उनका हाथ देख रहा हूं, मुझे पूर्ण उम्र दिखाई दे रही है, अगला कुछ नया ड्रामा खेल होगा तो वो गलत होगा। हमारे साथ जो ऑडियंस मौजूद है उनसे भी आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। एक मिनट, एक आपके पास भी आती हूं, पहले जी आप करेंगे तब बोलिए सवाल। अगर ऐसा हुआ तो हर जो साधु साध्वी लेते हो वापस आ जाएंगे, अगर ये जा रही है मतलब वापस लाने, कोई भी समाधि लेकर वापस आ सकता है? मैम जैसे ये माता जी का अभी कहा जा रहा है कि ECG हुआ है, तो क्या 10 साल बाद वो जो गुरुजी ने पहले समाधि ली थी, क्या उनकी भी ECG करके चेक जांच किया जा रहा है कि वो भी अभी जीवित है या नहीं? नहीं, लेकिन उनको एक्सेस नहीं दिया गया जी। मैम आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ये बड़ा सवाल है आस्था के नाम पर क्या अंधविश्वास को इस तरह की घटनाक्रम से बढ़ावा मिलता है? नहीं, ऐसा है, घटनाक्रमों से जरूर बढ़ावा मिलता है, इसीलिए शास्त्रों का प्रमाण मान करके उसको प्रमाणित करना चाहिए, मिलाना चाहिए, मैच करना चाहिए। यदि शास्त्रों के प्रमाण से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है, और वो दोनों पर लागू होता है, ना कि साध्वी और आशुतोष महाराज पर, दोनों पर लागू होता है। ऐसी घटनाओं की वजह से बुराड़ी जैसे कांड होते हैं दिल्ली में और इतने सारे लोगों की जान चली जाती है। जी हाँ, बैठ जाइए। इनकी जो देवी जी जो भी हैं, ये इनकी आंखें आपको दिखाई दे रही हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। हाँ। मरने से पहले उनसे स्क्रिप्ट पढ़वाई गई है, ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है, पर इन्हीं का सवाल। अच्छा ठीक है।